सो हे गजर, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गजर, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो, जिसमें गजर हम लोग बात करने वाले ग्रैंड फ्री फायर की काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। जैसे कि अगर आप लोगों को पता है, हमारे गिल्ड टोकन स्टोर को काफी टाइम हो गया भाई अपडेट ही देखने को नहीं मिला। और गजर मुझे तो याद भी नहीं है आखिर लास्ट टाइम हमारे गिल्ड टोकन स्टोर को कब अपडेट किया गया था। तो गजर बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आज की डेट आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारे इंडिया साइड पर गिल्ड टोकन स्टोर को कब तक अपडेट किया जाएगा एंड कौन कौन से नए रिवार्ड्स आप लोगों को गिल्ड टोकन से एक्सचेंज करने को मिलने वाले हैं। साथ ही गजर हमारे इंडिया साइड पर गोल्डन शोडो बंडल भी रिटर्न में आने वाले, जो कि 100% कंफर्म हो चुके हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा गजर आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं हमारे अपकमिंग मोको स्टोर इवेंट के बारे में, न्यू टोकन विल इवेंट के बारे में एंड गजर हमारे इंडिया सर्वर पर आने वाले स्पाइडर पार्कर मोड आप लोगों को किस तरीके से खेलना है और भी काफी सारे नए अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होगी, सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गजर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से हमेशा तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि यार अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह ग्रैंड फ्री फायर की हर एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिए तो बिना किसी तरीके बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आज मैंने जैसे गेम खोला तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे बैनर वगैरह तो देखने को नहीं मिला आप लोग के स्पाइडर पार्कर मोड का, जो कि गजर आप लोग को शायद देखने को मिल जाना चाहिए था। पर गजर यहाँ पे अगर आप लोग क्रॉपलैंड मोड में जाओगे तो आप लोग को एक न्यू मोड देखने को मिलने वाला है, जो कि गजर यहाँ पे आप लोग को स्पाइडर वर्स पार्कर वाला न्यू मोड देखने को मिल जाता है। तो गजर आप लोग को ये 4.36 MB का देखने को मिलेगा, तो सिंपल इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद गजर आप लोग को सिंपल इसे स्टार्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही गजर आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो मैच मेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 8 प्लेयर्स एक साथ इस मैप के अंदर जाते हैं गजर, फिर आप लोग इसके अंदर जाके खेल सकते हो। तो गजर जब मैंने स्टार्टिंग में इसे खेला था तो मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी आई थी कि यार ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या हम लोग को करना है इस गेम के अंदर जाकर एंड गजर किस तरीके से हम लोग को खेलना है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो गजर जैसे आप लोग इस मोड को ओपन करते तो आप लोग को डेली लॉग इन रिवार्ड देखने को मिलने वाला है, यानी गजर आप लोग को यहाँ से क्रॉपलैंड टोकन स्टार्ट में क्लेम करने को मिल जाता है। उसके बाद में गजर आप लोग को 3 कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगी, आप लोग जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड गजर जैसे सिलेक्ट करोगे तो आप लोग का यहाँ पे बंडल चेंज हो जाता है एंड गजर फिर आप लोग बन जाते हो यहाँ पे स्पाइडरमैन। ये सारी चीजें करने के बाद गजर रेस स्टार्ट हो जाती है, लगभग 8 प्लेयर्स होते हैं गजर आप लोग को रेस में जाना है, जहाँ से गजर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ये कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, जो भी आप लोग ऊपर कॉइन्स देख पा रहे हो। इसके अलावा गजर बीच बीच में आप लोग को कुछ जाले वगैरह का सिंबल देखने को मिलेगा या रेस वगैरह का सिंबल देखने को मिलेगा, उनको कलेक्ट करके गजर आप लोग जाले वगैरह बना सकते हो, यानी गजर किसी को भी फ्रीज कर सकते हो अपने जालों से एंड गजर यहाँ पे आप लोग जैसे मैं उड़ रहा हूँ उस तरह आप लोग उड़ भी सकते हो। तो गजर एक दो बार अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीके से मोड वर्क करने वाला है एंड आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा इस मोड को खेलने में। इसी के साथ में गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था हमारे इंडिया सब पर 50% का टोकन विल इवेंट देखने को मिलेगा, फाइनली हमारे इंडिया सब पर 50% का टोकन विल इवेंट आ चुका है। पर गजर ये जो टोकन विल इवेंट हम लोग को दिया गया है, हर टोकन विल इवेंट से खास होने वाला है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग इस इवेंट के अंदर स्पिन करते हो और आप लोग को टोकन से यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि गजर कभी कभी क्या होता है कि भाई हम लोग जब इवेंट में स्पिन करते हैं और इवेंट में स्पिन करते टाइम हो सकता है हमारे पास टोकन थोड़े बहुत कम पड़ गए और बीच में आप लोग को 50% गन्नी के निकल जाए तो भाई आप लोग के तो टोकन वेस्ट हो जाएंगे ना। तो गजर ग्रैंड फ्री फायर ने इसका सोल्यूशन क्या दिया है आप लोग को न्यूज सेक्शन में एंड बैनर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे कि गजर आप लोग को यहाँ से जो टोकन मिलेंगे उनको अगर आप लोग इकट्ठे करके रखते हो, आप लोग इसके अंदर से 50% के गन्नी के नहीं निकालते, आप लोग पास टोकन पड़े रहते हैं, तो इन टोकन का यूज गजर आप लोग नेक्स्ट टोकन विल इवेंट में भी कर सकते हो। मतलब गजर जब भी आप लोग कोई नेक्स्ट टोकन विल इवेंट देखने को मिलेगा उसमें जो भी रिवार्ड्स आप लोग को दिए जाएंगे उनको आप लोग इन टोकन से रिडीम कर पाओगे। पर अब सवाल ये है कि आप लोग का नेक्स्ट टोकन विल इवेंट कौन सा होने वाला है, तो क्योंकि मैंने तो ये टोकन विल इवेंट आप लोग को बता दिया था, अब इसके बाद में कौन सा होगा आप लोग यही जानना चाहते होंगे। तो गजर आप लोग को बता दूं, यहाँ पे काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया सब पर गोल्डन शैडो बंडल को रिटर्न में दिया जाएगा। अब देखो गजर ना तो ऑफिशियल बैनर निकल कर आ रहा है ना ही गजर ऑफिशियल डेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन गजर काफी ज्यादा चांसेस है इसी मंथ में आप लोग को टोकन विल इवेंट गोल्डन शैडो बंडल का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और वैसे भी गजर आप लोग को 50% का टोकन विल इवेंट लगभग 14 दिन के लिए दिया गया, जब तक भाई आप लोग को 50% का टोकन विल इवेंट होगा तब तक आप लोग को कोई नेक्स्ट टोकन विल इवेंट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है गजर आप लोग को 14 दिन बाद हमारे गोल्डन शैडो बंडल का एक न्यू टोकन विल इवेंट देखने को मिल जाए, तो अगर आप लोग चाहो तो गजर इसके अंदर भी स्पिन कर सकते हो, क्योंकि 50% वाले टोकन का यूज आप लोग नेक्स्ट टोकन विल इवेंट में भी कर पाओगे। बाकी गजर आप लोग चाहो तो नेक्स्ट टोकन विल इवेंट आने का वेट कर लीजिए, गोल्डन शैडो बंडल आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में गजर वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग एक न्यू मोको स्टोर इवेंट के बारे में। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए एक न्यू मोको स्टोर इवेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें गजर आप लोग को 2 मेल एंड फीमेल के बंडल देखने को मिल जाते हैं। और गजर ये जो बंडल आप लोग के OB40 के अपडेट में ऐड किया गया, फीमेल की जैकेट गजर आप लोग को पानी के बने
बने हुए देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गजर मेल का तौलिया भी आप लोग को पानी का बना हुआ देखने को मिलता है। तो गजर दोनों बंडल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे भाई समर इवेंट के बंडल डिजाइन किए गए हो, लेकिन गजर आप लोग को शायद इस बार समर इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। पर गजर ये जो दोनों बंडल है हो सकता है आप लोग को कुछ इस टाइप से हमारे इंडिया सब मोको स्टोर में देखने को मिल जाए, अगर आप लोग को फेडरवील वगैरह में नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा गजर आप लोग के लिए एक और मोको स्टोर इवेंट निकल कर आ रहे जो कि यार काफी ज्यादा चांसेस हमारे इंडिया सब देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही जल्दी। बात करें कौन सा होने वाला तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए एक न्यू मोको स्टोर निकल कर आ रहे सोनोरे स्क्रिप्ट वाला बंडल आप लोग इसमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो गजर हमारे इंडिया सब सोनोरे ग्लोबल की स्किन देखने को मिल चुकी है एक वेब एंड में, तो गजर ये बंडल भी उसी के साथ का एंड काफी ज्यादा चांसेस है हमारे इंडिया सब इस बंडल को बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। अब क्योंकि गजर ऑलरेडी हम लोग को फेडरवील इवेंट में ग्लिच वाला बंडल देखने को मिल चुका है, तो काफी ज्यादा चांसेस है गजर आप लोग को ये मोको स्टोर इवेंट हमारे इंडिया सब आने वाले कुछ दिनों में दिया जाएगा, या फिर गजर स्पाइडरमैन कोलैबोरेशन इवेंट के खत्म होने से पहले आप लोग हमारे इंडिया सब ये मोको स्टोर इवेंट दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को इनमें से कोई भी बंडल पसंद हो तो वेट कर लीजिए, आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे इंडिया सब देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में गजर वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की क्रिमिनल बंडल्स रिटर्न के आ रहे हैं, जिसके लिए आप में से काफी सारे बंदों के कमेंट्स आते रहते हैं मनु भाई हमारे इंडिया सब क्रिमिनल बंडल्स कब रिटर्न में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है फिफ्थ एनिवर्सरी में हम लोग को एक रेड क्रिमिनल एंड गजर एक आप लोग को न्यू क्रिमिनल बंडल दिया गया था। इसी के साथ में गजर आप लोग को दिवाली इवेंट पे हमारा पर्पल क्रिमिनल बंडल रिटर्न देखने को मिला था, पर गजर अभी तक गन्ना फिर फायर ने हमारे येलो एंड ब्लू क्रिमिनल बंडल को पेंडिंग रखा है जो कि अभी तक हमारे इंडिया सब देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की लीक्स निकल कर आ रही कि सिक्स एनिवर्सरी में आप लोग इनमें से कोई एक क्रिमिनल बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि गजर आप लोग को स्पेशल लक रोल में नजर आ सकते हैं या गजर आप लोग को किसी तरीके के वेबिनार में भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आप में से जो कोई भी क्रिमिनल बंडल लेना चाहता है पहले आप लोग नहीं निकाल पाए थे तो अपने डायमंड्स वगैरह जमा करके रख सकते हैं, यार हो सकता है सिक्स एनिवर्सरी में आप लोग को कोई ना कोई एक क्रिमिनल बंडल जरूर रिटर्न में दिया जाए। काफी ज्यादा चांसेस है कि आप लोग को सबसे पहले ब्लू क्रिमिनल बंडल रिटर्न में देखने को मिलेगा, उसके बाद में आप लोग को येलो क्रिमिनल देखने को मिलेगा। इसके बाद गजर फाइनली अब हम लोग बात करें आप लोग की गिल्ड टोकन स्टोर अपडेट के बारे में, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह के लीक्स निकल कर आ रही है कि गजर आप लोग को बहुत ही जल्दी हमारे इंडियन सर्वर पर रोलर फ्लैग वाला इमोट गिल्ड टोकन से एक्सेस करने को दिया जाएगा, पर उसी के साथ में गजर आप लोग कुछ डायमंड भी यहाँ पे साथ में देने पड़ेंगे। एंड इसी के साथ में गजर आप लोग को गिल्ड टोकन से एक हमारी बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि गजर आप लोग की गिल्ड के थीम पर दी गई है, बहुत ही ज्यादा ओपीसी बैकपैक दी गई है, गोल्डन कलर में आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रही है, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई। और यार काफी टाइम हो गया गन्ना फिर फायर ने हमारे गिल्ड टोकन स्टोर को अपडेट नहीं किया, मेरे पास तो बहुत सारे गिल्ड टोकन हो चुके हैं एंड आप लोग के पास भी बहुत सारे गिल्ड टोकन हो गए होंगे। रही बात कब तक हमारे इंडिया सब गिल्ड टोकन स्टोर को अपडेट किया जाएगा, तो गजर आप लोग को बता दूं यहाँ पे कुछ इस तरह की लीक्स निकल कर आ रही है कि ओबी 41 अपडेट के बाद आप लोग को गिल्ड टोकन स्टोर में अपडेट देखने को मिलने वाला है, एंड गजर ये दोनों रिवार्ड्स हो सकते हैं गिल्ड टोकन से एक्सचेंज करने को आप लोग को दिए जाए। बाकी गजर अगर मेरे पास कोई कंफर्म अपडेट या कंफर्म बैनर वगैरह निकल कर आता है तो मैं आप लोग को अपकमिंग वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। और देखो गजर आप में से काफी सारे बंदे पूछते रहते हैं मनु भाई हमारी नेक्स्ट इवोगन कौन से होने वाली है, तो गजर आप लोग को बता दूं नेक्स्ट इवोगन आप लोग को हमारे नेक्स्ट मंथ में यानी कि जुलाई मंथ में इवो एमपी 42.0 देखने को मिलेगी, उससे पहले आप लोग कोई भी इवोगन रिटर्न में नहीं दी जाएगी। एंड उसके बाद में गजर आप लोग को सिक्स एनिवर्सरी में हमारे इवो M1887 का रिटर्न देखने को मिलने वाली है। तो बस गजर आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे मैं आप लोग के लिए ऐसी कोई भी न्यू वीडियो लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाते हैं और आप लोग मेरे वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.